परिसंघ की स्थापना 1997 में हुई थी और ये गैर राजनीतिक संगठन है। मूलतः कर्मचारी अधिकारी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और कहीं कहीं पर सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इसमें कोई भी पार्टी का व्यक्ति जिम्मेदारी ले सकता हो है। और देश में आज भी 20 से 25 लाख दलित आदिवासी कर्मचारी उसका यह नेतृत्व करता है। और हमारी जो परीक्षण की मांग है, कुछ तो पुरानी मांगे हैं, कुछ नई मांगे हैं। जो पुरानी मांगे हैं, पदोन्नति में आरक्षण है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है, लेकिन जो नई मांग है, इन सारी मांगों को लेकर के 28 नवंबर को रामलीला मैदान में एक बहुत ऐतिहासिक रैली की जा रही है। और यह देखा जाता है कि लगातार ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है और सोर्सिंग है। 1.5 साल पहले दिल्ली में जब चुनाव हो रहे तो 1.25 साल होने आ जा रहे, तो बहुत ही ज़्यादा एक आकर्षक नारा दिया गया था, जो ये सफाई कर्मी थे इनके लिए, टीचर्स, कंडक्टर, ड्राइवर, अटेंडेंट, चपरासी, ये अगर सरकार में आएंगे तो उनको सबको पक्का किया जाएगा। लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार को 2.25 साल हो गए हुकूमत में रहने के बावजूद पक्का उनको नहीं किया गया। जब मैं दलित बस्तियों में गया, इसके ऊपर अपनी बात रखी या उनसे जानकारी ली, तो बहुत बड़ा आक्रोश। तो यह भी एक हमारा मुद्दा है। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो जमीन, मकान और कृषि के लिए दलितों को मिली थी, दलितों के कब्जे में है अभी भी, लेकिन कुछ लोगों को जमीन जो मिली उसमें दलितों का कोई दोष नहीं, टेक्निकल फॉल्ट, और जमीन उन्हीं के पास है, बो रहे हैं, जोत रहे हैं, लेकिन कुंदरी अधिकार उनको नहीं मिला है। तो यह भी हमने मांग शामिल किया। कितने किसानों को इससे फायदा मिलेगा? इसका टोटल तो अभी नहीं है, लेकिन कम से कम 10,000 किसानों का फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी नजफगढ़ एरिया हमारी यात्रा थी, तो वहाँ पर हमने लगभग 20 गांव में छोटी छोटी सभाएं करी थी। तो हर गांव में कहीं 60, कहीं 70, कहीं 50 ऐसे प्रभावित लोग थे। रैली की बात कर रहे हैं सर, रैली को लेकर जिस तरीके से पैसों की कमी है, तो क्या उस रैली का पेमेंट भी कार्ड से होगा या चेक से होगा? ज़्यादा से ज़्यादा उसको हो चुका पेमेंट? नहीं नहीं, अभी कुछ पेमेंट हो चुके हैं, कुछ नहीं हुए हैं। तो जो पैसा हमारा आता है पूरे देश में, जो कर्मचारी अधिकारी आते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि उस दिन आप कैश मत दो, ज़्यादातर कैश लो के आते हैं, कि अब ऐसा है कि बैंक में डालो। लेकिन चूंकि अब वो लोग चंदा करते हैं, कहीं 100, कहीं 200, कहीं, तो कैश के रूप में आएगा, डालेंगे, फिर हम कैश पेमेंट करेंगे। इस रैली में बीजेपी के कौन कौन से नेता शिरकत करेंगे? कोई नेता नहीं, किसी पार्टी का नहीं, ये परिसंघ है, सामाजिक संगठन। रैली को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई? आप देख लीजिएगा कि इस बार इतना बड़ी रैली होगी, शायद इस वर्ष की सबसे बड़ी रैली यही होगी। कितने लोगों के आने की आशंका? लाखों लोग हैं। लक्षण बताओ यात्रा हुई है,